पर मैं ये चीज मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं कि मैंने किसी को रेप थ्रेट दिया था या मैंने किसी को पर्सनल मैसेज किया है कि भाई मैं तेरे साथ ऐसा करूंगा या ये वो। Wait a minute. Who are you? हाँ, तू चाहती है कि सब बहन चोद आके तेरे को जम से पटक पटक के चोदे कि मैंने किसी को रेप थ्रेट दिया था? कोई सेंस है इस बात की? तो भाई बात करूं अगर मैं शुभम मिश्रा की, तो यार शुभम मिश्रा ने जो भी किया ना भाई बहुत ज्यादा गलत है। ऐसा नहीं है कि भाई गुस्सा आ रहा है तो भाई किसी का तुम कत्ल कर दोगे तो वो कत्ल नहीं कहलाएगा, कहलाएगा। उसी तरीके से भाई तुम्हें गुस्सा आ रहा हो और तुम किसी को रेप थ्रेट दे रहे हो और उसके बाद तुम डिनाई कर रहे हो उस चीज को कि भाई तुमने रेप थ्रेट नहीं दिया, ये सब कह रहे हो। भाई तुमको 3 लाख लोग देख रहे हैं, तुमने वीडियो बनाया, वो वीडियो वायरल हुआ, इसीलिए भाई पुलिस ने तुमको अरेस्ट किया क्योंकि तुमने गलती करी है। हर एक चीज का एक फॉर्मेट होता है। अगर तुम्हें उसकी बात बुरी लगी, मुझे भी बुरी लगी, तो इसका मतलब ये थोड़ी मैं ऑनलाइन आके उसके गाली देने लग जाऊंगा और बोलूंगा जाओ भाई रेप कर दूंगा, जहां ये कर दूंगा वो सब कर दूंगा। नहीं यार, ये चीज गलत होती है, एक फॉर्मेट होता है। आप पहले उससे बात करो, अगर वो अपनी गलती मानती है तो ठीक है यार, अगर वो गलती नहीं मानते हैं तो भाई आप कंप्लेंट करो। अगर आपको लगता है कि आपके सेंटीमेंट्स हर्ट हुए हैं तो आप कंप्लेंट कर सकते हो भाई, गवर्नमेंट इसीलिए है। और मैंने देखा कुछ लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं जहां स्टैंड अप कॉमेडी चल रहा है, लाइक व्हाट, मतलब जहां तक मैं जानता हूं भाई छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, भाई वो तो लेडीज की कितनी रिस्पेक्ट करते थे। अगर वो आज तुम लोग को ऐसा देखेंगे कि लड़कियों के बारे में इतना सब कुछ बोल रहे हो तो क्या उनको खुशी मिलेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। भाई पता है इससे फर्क क्या होता है, मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर जब लोग ऐसी चीजें देखते हैं और इन्फ्लुएंस होते हैं तो वो भी वही चीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम इसे देख लो, मादर चोत आता बसा माझ्या लवड्यावरती, तुझ्या आईची गांड अग्रिमा जेसुआ आता चुसुआ, उसके बाद तेरी कितने लोग चूत फाड़ेंगे तेरे को पता है ना, मादर चूत तुम्हारी माँ का भोसड़ा तुम्हारी। अब बताओ क्या है ये, मतलब देख के क्या लग रहा है भाई। इस बंदे का नाम है उमेश दादा, ठीक है, मैं भाई सच बता रहा हूँ, मैंने जब देखा इसका, जब मेरे को पता चला कि भाई इसको भी अरेस्ट कर लिया है, तब मैंने देखा है कौन बंदा, तो मैंने इसके चैनल पे देखा उमेश दादा, तो ये भी हिंदुस्तानी भाऊ की तरह ही वीडियो बनाता कुछ समथिंग, लेकिन नाम इसका उमेश दादा चैनल पे, लेकिन इसका रियल नाम अगर तुम देखो तो इम्तियाज करके है कुछ, तो मतलब क्या चल रहा है भाई, कुछ समझ ही नहीं आ रहा भाई। टीका वीका लगाए हो तुम, नाम तुम्हारा इम्तियाज है भाई, टोटली मतलब ब्लैंक, क्या है क्या नहीं पता ही नहीं चल रहा। और इतना ही नहीं भाई, इन्फ्लुएंस हो के लोग और भी आते हैं, तुम और एक क्लिप देखो, लड़की है ना मादर चोद, क्या बोल रही है तेरे को भेड़ की चूत तेरी, अंग्रेज चोदा रहेगा, अंग्रेजी चोदरी तेरी माँ की चूत हिंदुस्तान में, साली रांड साली, तेरी माँ का भूसड़ा, तेरे को खुला चैलेंज है, तेरे को मेरा जो झाटा उपटने का हम लोग का उपट लेना, विरार में रहते माँ की चूत। अब बताओ भाई, कोई कह सकता कि लोग इन्फ्लुएंस नहीं होते और ऐसा नहीं करते? देख लो, खुद देख लो तुम कैसे लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और वही चीज कर रहे हैं जो शुभम मिश्रा ने की। तो भाई अभी चल कह रहा है ट्विटर पे, लोग टैग कर रहे हैं कि हिंदुस्तानी भाऊ को भी जेल हो जानी चाहिए, पर मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्यों हो जानी चाहिए हिंदुस्तानी भाऊ को जेल? क्या उन्होंने रेप थ्रेट दिया? क्या उन्होंने किसी को मारने की धमकी दे दी? नहीं ना, वो सिर्फ अगर गाली देते तो तुम उस बेसिस पे उन्हें अरेस्ट नहीं करा सकते, क्योंकि जोक तो तुम भी बनाते हो रिलीजन पे, गाली तुम भी देते हो, हम सब गाली देते हैं, इंडिया में 90% लोग गाली देते हैं, हालांकि वो बात अलग है कि 60% मादरचोद बोलते हैं, 30% मदरफकर बोलते हैं, पर गाली सब देते हैं। शुभम मिश्रा को अगर अरेस्ट किया गया है वो उसका हकदार था, उसने गलती करी तो भाई उसको सजा मिलेगी। उमेश दादा, ये इसने धमकी दी, इसको सजा हुई, इसको जेल हुई, हकदार है, जेल हुई। भाऊ ने ये नहीं कहा कि तुम जाके किसी लड़की को ये करो या किसी को वो करो, भाऊ ने बोला जो धर्म के बारे में बोलेगा भाई उसको गाली पड़ेगी, और ये मैं भी कहता हूँ भाई उसको गाली पड़ेगी जो धर्म के बारे में बोलेगा, और अच्छे से पड़ेगी। शुभम मिश्रा अगर 100% गलत है ना, तो कॉमेडियन 40% गलत हैं, और वो क्यों है मैं तुम्हें इस पूरी वीडियो में बता दूंगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, वरना तुम एक पार्ट को देख के ना मेरे को जज करने लग जाओगे, जो कि तुम बहुत जल्दी जज करते हो किसी को। नहीं, अगर तुम लोग अग्रिमा जोशवा का वो वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन देखोगे ना, तो वहाँ लिखा है स्पेशल थैंक्स टू कुणाल कामरा, नो वंडर कि कुणाल कामरा उसको क्यों सपोर्ट कर रहा था। और सच बताऊं भाई, कुणाल कामरा का इस टाइम रिएक्शन पता क्या होगा, सर फूल बोल रहे हैं पर शब्द हमारे हैं। प्राइम मिनिस्टर बोलता है यार कि दुनिया की पहली प्लास्टिक सर्जरी इंडिया में हुई है, पता किसकी? गणेश, गणेश की। मैं मान गया कि पहली प्लास्टिक सर्जरी आपने करी है, इंडिया में हुई है, तो ठीक से तो कर लेते। इसको देख के तो यही लगता है कि गांजा फूंक के नहीं करना चाहिए सर। मतलब क्या है, रिलीजन पे भी जोक कर दिया, बॉडी शेमिंग भी इसने कर दी, और अगर कोई बंदा इनको रोस्ट करते तो भाई ये सीधे बोलते कि यार ये बंदा बॉडी शेमिंग कर रहा है, यार तुम भी तो बॉडी शेमिंग कर रहे हो, तुम भी तो रिलीजन पे जोक बना रहे हो, फिर जब तुम पे कोई जोक बनाए तो उसको भी तो एज अ जोक लो ना। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भाई रिलीजन पे बोलना ही क्यों है,
तुम एक बात समझो, ठीक है, अगर कोई भी बंदा जिसको तुम पूजते हो या जिसकी तुम रिस्पेक्ट करते हो, लाइक तुम्हारे पेरेंट्स, अगर कोई तुम्हारे पेरेंट्स की मजाक उड़ा तो तुम्हें कैसा लगेगा? क्या तुम बर्दाश्त कर लोगे? ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम बर्दाश्त कर लोगे तो भाई बर्दाश्त करो, ये वाला जोक मेरा। तो तुम लोगों ने एक थॉट सुना होगा, डोंट टीच योर फादर हाउ टू फक। लेकिन भाई इसके पापा को ना जरूरत थी, सीखने की जरूरत थी कि हाउ टू फक। नहीं यार, सच में, अ बैड सेक्स कैन चेंज योर होल लाइफ एंड ही इज अ प्योर एग्जांपल। और बॉडी शेमिंग के बारे में भी कह दूं मैं इससे, तो सुन, सूखे ले खजूर, तेरी शक्ल ना मेरे घर पे जो कमोड साफ करने वाला आता ना, उससे बिल्कुल नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि उसकी शक्ल भी तेरे से लाख गुना अच्छी है। ये हो गई बॉडी शेमिंग और वो हो गया तेरे पापा की डिसरिस्पेक्ट। अब तुझे कैसा लगा या बाकियों को कैसा लगा मुझे बताना, क्योंकि जब तुम हमारे रिलीजन पे बोलते हो ना तो हमें भी ऐसा ही लगता है। बहुत से लोग हैं पुराने भी जो थे, कपिल शर्मा शो, राजू श्रीवास्तव और भी एटसेक्टर जो पहले थे, उनसे कुछ सीख लो कि भाई उन्होंने कभी रिलीजन के ऊपर नहीं बोला। और आज भी कुछ ऐसे स्टैंड अप कॉमेडियन है जो रिलीजन पे नहीं बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी भाई उन लोगों का नाम है। तो यार तुम लोग क्यों नहीं मजाक कर सकते? क्या तुम्हारी कैपेबिलिटी नहीं है उतनी कि तुम बिना रिलीजन के तुम लोग मजाक कर सको, बिना किसी के सेंटीमेंट्स को हर्ट किए हुए तुम वीडियो बना सको? नहीं है क्या तुम्हारी कैपेबिलिटी इतनी? और अगर नहीं है इतनी कैपेबिलिटी तो भाई सॉरी, तुम लोग कॉमेडियन नहीं हो। और मैं इस चीज का इसीलिए विरोध कर रहा हूँ क्योंकि देखो साफ सी बात है भाई, अगर आज तुम भगवान के बारे में बोल रहे हो, कल को तुम कास्टिज्म के बारे में बोलोगे, उसके बाद अमीरी गरीबी भी बोलोगे, फिर तुम कलर पे भी आ जाओगे, गोरे काले पे भी बोलोगे, फिर तो तुम जोक हर एक जगह ले आओगे और जोक से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगी भाई, इंडिया पूरी डिवाइड हो जाएगी। गणपति बापा मोरिया शीला की जवानी, गणपति बापा मोरिया मुन्नी है हरामी। At one point we just start banging our nipples for some reason, is it? मेरा भगवान आया डेढ़ दिन के लिए। और भाई सच बताओ ना, ऐसे कॉमेडियन को देखने से अच्छा है ना साला 20 रुपए की टिकट लो, दिल्ली के जू में जाओ, वहाँ पे हुक्कू बंदर देखो, तुम्हें भाई इससे ज्यादा हंसी आ जाएगी। बेशक हम सब इस्कॉन वाले हैं, पर अंदर से सब हरामी पॉर्न वाले हैं। और नहीं, एक बात बताओ तुम लोग मेरे को, भाई क्या तुम लोग ये स्टैंड अप कॉमेडी नॉर्मल आते हो, बस कैमरे के सामने खड़े हो जाते हो और बड़बड़बड़ करना शुरू कर जाते हो? नहीं ना, स्क्रिप्ट लिखते हो ना पूरी? तो भाई जब स्क्रिप्ट लिखते हो तो क्या दिमाग अपना डस्टबिन में डाल देते हो उसके बाद लिखते हो स्क्रिप्ट? पहले समझ में नहीं आता कि हाँ भाई ये इनअप्रोप्रिएट है और ये लोगों को ऑफेंस कर सकता है, लेकिन नहीं भाई, फेमस होना है हमें, भाई क्या कहते हैं, रिलीजन पे बोलेंगे तभी तो लोग भड़केंगे, तभी तो लोग शेयर करेंगे, तभी तो लोग हमें जानेंगे, उसके बाद क्या भाई सॉरी बोल देंगे और लोग माफ कर देंगे। लेकिन नहीं यार, ऐसे नहीं होता, अपने जोक से आगे जाओ ना, लोगों को हंसाओ फिर आगे बढ़ो। तो यार अब मैं बात करता हूँ उस टॉपिक पे कि ज्यादातर लोग जो बोलते हैं कि भाई जो भरोसा नहीं करते भगवान वगैरह पे, जो नास्तिक होते हैं और जो मजाक उड़ाते हैं सिर्फ हिंदुइज्म का, तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि भाई ठीक है यार तुम लोग नहीं मानते गॉड को, पर जो लोग मानते हैं उनको तो कम से कम हर्ट मत करो उनकी फीलिंग को। और तुम्हारे लिए मैं सबसे मेन चीज कहता हूँ, तुम ये लोग कहते हो कि साइंस वाइंस आ चुकी है, हम साइंस को मानते हैं, हम भगवान भगवान में नहीं मानते, तो मेरे भाई एक चीज बस तुम मुझे बता दो, अगर साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है तो आज भी साइंस जब रॉकेट छोड़ती है या कोई भी मशीन लाती है तो वो पूजा क्यों कराती है? वो नारियल क्यों फोड़ती है? वो मुहूर्त क्यों निकालती है रॉकेट छोड़ने का? बता दो बस, इस चीज का आंसर दे दो। और अगर बहुत ही ज्यादा साइंस में घुस गए तो बंदा मरने के बाद कहाँ जाता और पैदा कैसे होता है ये भी तुम मुझे बता दो, लेकिन तुम्हें इस चीज का आंसर नहीं पता। साइंस तुम्हारी वहां तक पहुंची नहीं और ना कभी पहुंच पाएगी, क्योंकि भगवान है, मानो या ना मानो भगवान है और हम मानते हैं, ठीक है? तो उसका मजाक उड़ाना बंद करो। कैसे मानोगे बताओ? रिक्वेस्ट कर ली तुमसे, मारम पीटी भी कर ली, क्या चाहते क्या हो भाई, तुम ही बता दो। तो बस यार देखो, आज के लिए इतना ही। मुझे पता है टॉपिक थोड़ा सीरियस था और भाई इस टॉपिक पे वीडियो बनाना मतलब ये एक पतली सी लाइन है और तुम्हें यहाँ बात करनी, इन दोनों को ब्रेक नहीं करना, मतलब समझ रहे हो कितना कॉम्प्लिकेटेड है इस टॉपिक पे बात करना। तो बस इतना ही कहूंगा, इस टॉपिक को सीरियस ही लेना और सीरियसली ही समझना, और बस इतना ही। और भाई देखो, गिव अवे की बात करूं मैं तो आज का गिव अवे तो एज इट इज ही रहेगा, जिसने सबसे पहले कमेंट किया होगा और मुझे स्टोरी पर टैग किया होगा उसको ही मिल जाएंगे। और बाकी जो आने वाली वीडियो के लिए मैं गिव अवे का जो थोड़ा रूल है वो चेंज कर रहा हूँ, वो ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाई तुम कमेंट करते हो भाग के सीधे मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करने जाते हो तो मेरी वीडियो का वॉच टाइम गिर जाता है, तो इससे फ़र्क क्या होता है, यूट्यूब फिर प्रमोट नहीं करता वीडियो को। तो भाई जो नेक्स्ट वीडियो होगी मैं उसमें तुम लोगों से पूरी वीडियो में कहीं पे भी एक क्वेश्चन पूछूंगा कि तुम लोग कमेंट करके बताओ ऐसा कुछ भी क्वेश्चन कि मैंने कितनी बार क्या बोला या कुछ भी, और जो सही बंदा जवाब देगा और सबसे पहले मुझे आके टैग करेगा इंस्टाग्राम स्टोरी पे, उसे मैं तुरंत के तुरंत ही 500 रुपीज़ पेटीएम दूंगा। ये वाला गिव अवे मुझे सही लग रहा है तो मैंने सोचा ये ठीक है। तो आज जैसा है एज इट इज़ जो पहले कमेंट किया होगा उसी को मिलेगा, और नेक्स्ट वीडियो से जो मेरे क्वेश्चन का आंसर देगा
उसको मिलेगा। ठीक है, तो बस यार आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मगज मारी कम रखता जिंदगी में टंटा नहीं, कौन क्या बोलता मेरे बारे परवाह मुझे घंटा नहीं, कोई समझा नहीं इसलिए मैं ये समझाने आया हूँ, ये 5 साल की मेहनत है अब जो कुछ भी मैं पाया हूँ। जरूरत इच नहीं है, जरूरत इच नहीं है, ये सबकी अपने को जरूरत इच नहीं है, सोने को इनके पास करवट इच नहीं है, अच्छी खासी इनकी परवरिश नहीं है, जरूरत इच नहीं है।